हेलो एवरीवन, साडा अज दा टॉपिक है व्हाट इज़ फिलोसफी। फिलोसफी की है? फिलोसफी इज़ द स्टडी दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी। इट ट्राइज टू डिस्कवर द नेचर ऑफ ट्रूथ। फिलोसफी की है? स्टडी है कि दी स्टडी है? रियलिटी दी ते मनुखी होंद दी स्टडी है, जेड़ी नू कोई समझण दी ते असल सच्चाई तक जिदे दे विच पहुंचण दी जरूरत है। ता ए जेड़ी रियलिटी है, एग्जिस्टेंस है, इस दे भेद ने जेड़े वो फिलोसफी राही ही सानू पता लगदे ने। इट ट्राइज टू डिस्कवर द नेचर ऑफ ट्रूथ। फिलोसफी राही ही असी ट्रूथ दी नेचर तक पहुँच सकते हैं कि ट्रूथ है जिहड़ी असल च है कि सच्चाई की है। तो सच्चाई तक पहुँचने लई असी फिलोसफी है जिहड़ा वो कंसैप्ट असी डिस्कवर करते हैं। तो फिलोसफी की है? फिलोसफी इनू असी देखांगे, फिलोसफी नू अलग अलग ढंगा नाल साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान दा विज्ञान, फिर यदा असी डेरीवेटिव मीनिंग करांगे शाब्दिक अर्थ। फिलोसफी की है? लव ऑफ नॉलेज। दो ग्रीक शब्द ने फिलोस ते सोफिया, इन्हां नूं जदों असी जोड़दे हां तां फिलोसफी शब्द बनता है, जिन्हां दा अर्थ आ फिलोस दा अर्थ आ लव ते सोफिया दा अर्थ आ विजडम। तां बुद्धिमानी प्रति प्यार, नॉलेज प्रति प्यार ही फिलोसफी है। नैक्सट इहदा मतलब असीं करांगे फिलोसफी एज अ गाइड। फिलोसफी गाइड दा काम करती है, रस्ता दिखाउण दा काम करती है, जिंदगी जीउण दा जिहड़ा इह ढंग दसदी है किवें असीं जिंदगी जीउणी है, असी किस सोच नूं अग्गे रख के चलना है, साडे एक्सपीरियंस ने चंगे जां माड़े, असी लाइफ दे विच उहनां नूं किवें उहनां दे जिहड़े एक्सपीरियंस ने उहनां दे बेस ते असी अपना पॉइंट ऑफ व्यू किवें बनाउणा है। फिर हैगा फिलोसफी की है? लॉजिकल इनक्वायरी है। किहदी लॉजिकल इनक्वायरी है? रियलिटी दी, सच्चाई दी लॉजिकल इनक्वायरी है। असी आम भाषा च कह दईए कि जे सानू कोई भी गल का पता लगे, किसी भी घटना का पता लगे, तो असी उहदी सच्चाई तक जाण दी कोशिश करते हैं कि असल विच एक घटना किवें वापरी जां इस गल की सच्चाई की है। दैट इज़ आर फिलोसफी। वह साडी फिलोसफी है, वह साडी सोच है। अगे एक इहदा मीनिंग होर ढंग नाल देखदे हां असी, फिलोसफी एज एन एक्टिविटी। फिलोसफी एक एक्टिविटी है। किहड़ी चीज़ की एक्टिविटी है? मैंटल एक्टिविटी है। डेली जिहड़ी असी साडी थिंकिंग पावर है जिहड़ी वो इस दे उत्ते डिपेंड करती है कि असी किसी भी दुनिया दे विच जां समाज दे विच किसी भी चीज़ नूं किवें सोचते हैं, किसी भी एक्टिविटी नूं असी किवें लैंदे हां, किसी भी एक्टिविटी तो असी की एक्सपीरियंस लैंदे हां, की भाव लैंदे हां, तां इह सारियां जिहड़ियां गल्लां सोचते हैं असी उह की आ एक्टिविटी आ, वह फिलोसफी का ही विशा वस्तु ने। असी संसार दे विच बहुत सारिया चीज़ें अहियां जिहियां होंदियां ने जिहड़ियां बारे असी जानना चाहुंदे आ, हरेक एक्टिविटी बारे असी जानना चाहुंदे आ वी क्यों हुंदी है, सूरज क्यों चढ़दा है, चंद क्यों चढ़दा है, ठीक है, रात नूं सूरज हुंदा कि नहीं हुंदा, बहुत सारे प्रश्न ने, क्रियोसिटी आ सानू जानण दी। तो सारिया एक्टिविटीज़ नूं असी जदों डीपली वाच करदे हाँ तां असी उहनां बारे सोचदे हाँ, यही मैंटल एक्टिविटी है साड़ी। नैक्सट हैगा अ कंप्रीहेंसिव पिक्चर। फिलोसफी की है? एक पूर्ण विस्थारित तस्वीर आ किहड़ी चीज़ की? यूनीवर्स की। तो होल जिहड़ा यूनीवर्स आ वो फिलोसफी का विषय वस्तु आ। हरेक जिहड़ी यूनीवर्स च चीज़ मौजूद आ, हरेक दा अपना अपना जिहड़ा है वह काम आ, अपने अपना जिहड़ा है वह उस दी वैल्यू आ, ठीक है। तो वह सारिया चीज़ों असी देखते हैं तो विचारते हैं,
तो इस तरह नाल ही की है कॉम्प्रीहेंसिव पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। नैक्सट असी लैने यदा मीनिंग टेक्स ओवर फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ साइंस। तो असी कहने हैं कि जिहड़ी फिलोसफी है वो मदर ऑफ ऑल साइंसिज है, तो ये उदों शुरू होंदी है जदों साइंस का एंड पॉइंट होंदा है। जे असी साइंस की टर्म नूं समझिए तो साइंस की है नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। साइंस जिहड़ी है वो नॉलेज ऑफ फैक्ट्स है, तत्थां दे आधार दे उत्ते जदों असी नतीजे कढ़दे हाँ, ठीक है जी, कोई एक्सपैरीमेंट करते हैं तो उस चीज़ नूं असी साइंस का नाम दिंदे हाँ। साइंस तो अगे असी कहने कि हरेक चीज़ का हल साइंस कोल है, पर इत्थे असी कहांगे कि साइंस तो अगे भी कुछ हैगा। साइंस का जिथे एंड पॉइंट हुंदा उत्थे फिलोसफी शुरू हुंदी है। तो फिलोसफी की है अल्टीमेट नॉलेज है, अंतिम सच्चाई है, अंतिम ज्ञान है। जी तो बाद फिर ज्ञान नहीं हो सकता, उस तो मतलब कि नॉलेज दे एंड तक असी जदों पहुँच जाने हैं उस तो अगे कुछ भी नहीं बाकी बचता, दैट इज़ फिलोसफी। तो यह सारा कंसैप्ट आ जिहड़ा फिलोसफी का मीनिंग आ, इहदे विच ही असी फिलोसफी है जिहड़ी उसनू कवर करांगे, मीनिंग ऑफ फिलोसफी, वट डू जो मीन बाय फिलोसफी। इस तो इलावा इहदे विच असी डेफिनेशनस दे थ्रू भी इहदा मीनिंग कढ सकदे हाँ। तुसी इहदे इस क्वेश्चन दे विच जेकर इस तरह ही चार्ट बना के जिहड़ा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ता दैट इज़ गुड। ठीक है जी, ओके, दैट्स ऑल।